अरे बच्चों, सभी का स्वागत है आपकी हिंदी की क्लास में। हिंदी के विषय में आज हम बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने जे पाठ का पठन किया था, पाठ 7वां, बुराई नहीं भलाई। तो इसके बारे में हमने पठन किया था। पूरे का पूरा पाठ पढ़ के हमने ये समझा था कि हमें बुराई नहीं भलाई करनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हो कि जो भोलू था वो बहुत नटखट था, ठीक है, तो वो शरारतें करता रहता था। और उसकी शरारतों के बीच में ही एक हिरण, जिसका नाम लाली था, सॉरी हिरण का बच्चा था, उसका नाम लाली था। तो लाली कैसे दलदल में फंस गया और उसके माता पिता ने उसको बचाया। और लाली ने जब ये देखा कि मैं फंस गया हूँ, तो उसने माता पिता को पुकारा और वो चले आए और पेड़ से एक लता निकाली और लाली को बाहर निकाल लिया। तो ऐसे उन्होंने अपने बच्चे को बचाया। और ये सब देख करके जो भोलू के माता पिता थे, बंदर और बंदरिया, उन्होंने देखा कि हमारा बच्चा शरारतें कर रहा था, लेकिन उसके बाद वो सुधर गया कि हमें उन्होंने समझाया और वो सुधर गया कि हमें हमेशा बुराई नहीं करनी है, भलाई ही करनी है। तो इस विषय में हमने इस पाठ को पढ़ा था और कहानी को समझा था कि कैसे हमें भलाई की ओर जाना चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसकी अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले आपका स्वागत करता हूँ सभी अध्यापक गण और जितने भी जो पेरेंट्स हैं वो जुड़े हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हुआ खुशी महसूस करता हूँ कि आप सभी अग्रसर हो बच्चों को काम करवाने के लिए, बच्चों को सिलेबस करवाने के लिए। तो चलिए जल्दी से पहुंचते हैं हम अपनी अभ्यास की ओर। अभ्यास शुरू करते हैं। तो आपके सामने मैंने अभ्यास का पृष्ठ निकाल लिया है, जे आपके सामने है। सबसे पहले अभ्यास में उन्होंने पूछा है कि नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। इसको बच्चों आपने क्या करना है, सभी 5वीं कक्षा के बच्चे हो, आप बड़े हो, आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझदार हो। आपने 4थी कक्षा में हिंदी को पढ़ा है, हिंदी को समझा है, काफ़ी आपने लिखना भी सीख चुके हो आप अच्छे से, और पढ़ना भी सीख चुके हो। तो आपने क्या करना है, ये जो गुरुमुखी लिपि में दिए गए हैं शब्द आपके सामने हैं, ये वाले, जितने मैंने अंडरलाइन किए हैं ये गुरमुखी में लिखे गए हैं और साथ में इनको हिंदी में भी लिखा गया है। तो आपने क्या करना है, आपने पंजाबी गुरमुखी में लिखे गए इन शब्दों को पहले देखना है कि ये बोले कैसे जाते हैं। बोले तो खैर सेम ही जाते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखने में काफ़ी अंतर है। तो आपने इसको बोल के और लिखने की अभ्यास करनी है। तो प्यारे बच्चों, ये काम आपने सुंदर अपनी जो फेयर कॉपी है, पक्की कॉपी जिस पे आप काम करते हो हिंदी का, उस पे आपने लिखना है सुंदर सुंदर करके। तो चलिए अब दूसरे नंबर पर चलते हैं। नीचे एक एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। ये भी वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक है। इसको भी आपने पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद में लिखने का अभ्यास करना है। जैसे यानी जिस मैंने इन शब्दों को अंडरलाइन किया है, ठीक है, लाइन लगाई है शब्दों के नीचे, तो आगे हिंदी में है, तो आपने इनको हिंदी में पढ़ना भी है, पंजाबी में गुरमुखी में भी पढ़ना है, पंजाबी में उस हिंदी में भी पढ़ना है, और बाद में इसको कॉपी में सुंदर सुंदर करके आपने लिख लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ो समझो और लिखो। बेटा 3 बातें हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना होता है, 2-3 बार पढ़ो इनको, फिर इनको हमने समझना होता है, फिर लिखना होता है। यही हमारे सीखने की कला है।
सीखने का एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसको आपने समझना है। तो सबसे पहले पढ़ना है, तो देखिए कैसे ए प्लस सॉरी जैसे म और प्लस ह कैसे आधा डलता है तो तुम्हारा बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही व्यवहार जब डालते हैं तो आधा कैसे डलता है वो बताया गया है, और ऐसे ही तन्हा कैसे लिखते हैं उसके बारे में बताया गया। आपने ध्यान से पढ़ना है कि कैसे इनको लिखा जाता है और कैसे इनको बोला जाता है। जब हम बोलने की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमें लिखना है, पढ़ना है, तो पढ़ने में सबसे पहले उसके बाद में समझना है, समझने के बाद लिखना है, तो समझना कैसे है इसको कि बोला कैसे जा रहा है, ठीक है। तो जैसे तुम्हारा नहीं बोलना, तुम्हारा, तुम्हारा मतलब म और ह आदि, आधा म आदि आवाज़ ही देगा तुम्हारा, ठीक है। तो ऐसे ही व्यवहार, ठीक है, व्यवहार, और ऐसे ही तन्हा, 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 ठीक है। तो ऐसे इसको बोलना है। इसके आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं कि आगे अभ्यास में क्या है। वैसे ही जैसे ऊपर प्लस करके क्या शब्द बने और क्या बोला गया, वैसे ही यहाँ पर इनको प्लस करके क्या बोलना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे भ, आधा भ है बेटा जी। एक बात मैं आपको और समझाऊँ, शायद मैं बताना भूल गया आपको, कि अक्षर के नीचे जो छोटा सा चिन्ह होता है इसका मतलब होता है हल, और हल चिन्ह का मतलब होता है आधा अक्षर। देखिए मैं आपको थोड़ा पेंसिल के साथ बता रहा हूँ, इसके नीचे आप छोटा सा देख रहे हो जैसे रू की तरह डला हुआ है, ये रू नहीं है, ये हल्का निशान होता है, इसका मतलब होता है कि आधा है अक्षर, आधा। जैसे म आधा डाला हुआ है ना तो बन गया हिम्मत, तो ऊपर आधा च डाला हुआ है तो आधा ही, आधा ही क्या है ये, आधा ही च है। हल्का निशान नीचे दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वो अक्षर आधा है, वर्ण आधा है। तो आधा और उसके बाद पूरा डल गया तो क्या बन गया, च और पूरा च, आधा च और पूरा च, बच्चा, ठीक है। ऐसे ही हिम्मत और ऐसे ही चिल्ला और ऐसे ही लज्जित, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा कि जो ल के नीचे हल है इसका मतलब ल आधा है, ऐसे ही ज के नीचे हल का निशान है इसका मतलब ज आधा है, ठीक है। तो अब शब्द अर्थ करेंगे इसके आगे, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले है नटखट। बेटा नटखट क्या होता है, जैसे बोला था ना कि भोलू बहुत नटखट था, नटखट मीन्स के शरारती। नटखट का क्या मतलब होता है, शरारती, जो शरारतें करता है उसको नटखट बोलते हैं, बालक बहुत नटखट है, ठीक है। ऐसे ही दलदल, दलदल होता है कीचड़, मैंने आपको बताया था ना कि बहुत गहरा और घना जो कीचड़ होता है उसको दलदल बोला जाता है, जिसमें अगर एक बार आपने फंस गए तो आपका ऊपर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप नीचे नीचे दस्ते चले जाते हो, उसको कीचड़ और दलदल भी बोला जाता है। तो इसके आगे है लता। लता होती है बेल या एक जो टहनी होती है किसी वृक्ष की, जो टहनी होती है लंबी लता बनी हुई होती है उसको कहते हैं। जैसे वृक्ष के साथ कोई लंबी लता लटकती हो, टहनी लटक रही हो, तो बंदर उस टहनी को पकड़ करके, उस लता को पकड़ करके ऊपर चढ़ जाते हैं, तो उसको लता कहते हैं, टहनी कहते हैं। और इसी तरह से नुकसान, नुकसान को बोलते हैं हानि, किसी काम में हानि हो जाना, नुकसान हो जाना, उसको हानि कहते हैं, ठीक बच्चे। इसको भी हमने समझा, आपने इन सभी को लिखना भी है कॉपी पे सुंदर सुंदर करके, ठीक है, तभी आपको समझ आएगी, आपकी प्रैक्टिस अभ्यास होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके आगे है बेटा
धड़ाम, धड़ाम का मतलब होता है जोर की आवाज़ आना, देखो ना, धड़ाम से गिर गया, तो धड़ाम का मतलब है जोर की आवाज़ आना, ठीक है। उसके आगे है लज्जित, लज्जित होना मतलब शर्मिंदा होना, जैसे भोलू अपने किए पर बहुत लज्जित था क्योंकि उसने लाली को दलदल में फेंक दिया था, तो वो बहुत लज्जित हुआ कि मैंने बहुत घटिया काम किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो लज्जित मीन्स अपने आप को बेइज्जत महसूस करना, शर्मिंदा महसूस करना। उसके आगे है व्यवहार, व्यवहार का मतलब होता है बेटा किसी के साथ बर्ताव करना। आप किसी भी किसी के साथ भी जिस तरह से बात करते हो, जिस ढंग से बात करते हो, जो भी आप शैली अपनाते हो बात करने की, जो भी आप ढंग यूज़ करते हो बात करने का, उसको हम व्यवहार कहते हैं। कई लोगों का व्यवहार जो होता है काफ़ी गुस्सैला होता है, गुस्से से बात करते हैं, कुछ कुछ लोग जो होते हैं काफ़ी मीठी बात करते हैं, कुछ लोग चुप रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग शांति से बात करते हैं, आराम से बात करते हैं, और कुछ लोग जल्दी जल्दी बात करते हैं। तो ये बात करने की साहिब सभी में कला होती है, तो अलग अलग कलाओं का जो मेल होता है वो व्यवहार होता है, जो हम बात करते हैं बात के संबंध में, ठीक है। तो व्यवहार मीन्स हम बात कैसे कर रहे हैं दूसरों के साथ, हम बातचीत कैसे कर रहे हैं, बर्ताव कैसे कर रहे हैं। तो इसके नीचे है भलाई, भलाई का मतलब होता है दूसरों का भला करना, दूसरों का हित करना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों का हित करना भलाई कहलाता है। लपक कर, लपक कर होता है सहसा तेजी से आगे बढ़ना, मतलब एकदम से। सहसा का कोई ज़्यादा डिफिकल्ट मीनिंग नहीं है बच्चे, जहाँ पर सहसा मतलब है एकदम से लपकना, एकदम से छलांग लगा के तेजी से बढ़ना दूसरों की ओर, ठीक है। तो आगे आपने बताना है, क्वेश्चन आंसर है, अगर आपको इसको लिखोगे तो और बढ़िया। पहले आप हम इसकी पढ़ के अभ्यास करते हैं, साथ में लिखने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि पहला प्रश्न जो है वो क्या है। पेड़ पर कौन रहता था, बताइए। आपने सारी कहानी पढ़ी है, पेड़ पर कौन रहता था? एक तो भोलू रहता था और दूसरा उसके माता पिता रहते थे, ठीक है। तो आप उसको लिखोगे कैसे? पेड़ पर भोलू और उसके माता पिता रहते थे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरह ठीक हो जाएगा। पेड़ पर बंदर और बंदरिया का जोड़ा रहता था, ठीक है। पेड़ पर बंदर और बंदरिया का जोड़ा रहता था। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, भोलू का स्वभाव कैसा था? भोलू कौन था पहले ये बताओ। भोलू उस बंदर और बंदरिया का बच्चा था, उसका नाम भोलू था। और भोलू कैसा था? भोलू एक नटखट स्वभाव का मालिक था, या ये भी लिख सकते हो, भोलू का स्वभाव नटखट था, ठीक है। नटखट क्या होता है? शरारती। आप शरारती भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आप ये भी लिख सकते हो कि भोलू का स्वभाव शरारती था, भोलू का स्वभाव नटखट था। तीसरा क्वेश्चन बेटा देख लेते हैं। भोलू ने हिरण के साथ क्या शरारत की? बच्चों पहले ये बताओ, उस हिरण का नाम क्या था? हिरण का बच्चा था ना, उसका क्या नाम था? लाली। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को पता था लाली था उसका नाम। तो लाली के साथ भोलू ने क्या शरारत की? तो हम लिख सकते हैं, भोलू ने लाली को दलदल में फेंक दिया, ठीक है। दलदल में फेंक दिया था ना शरारत से, कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और जब वो उसकी ओर बढ़ा, दौड़ के बढ़ा, तो वो लपक के अपनी लट को, पेड़ की लट को पकड़ के ऊपर चढ़ गया, और बेचारा हिरण जो लाली था, लाली नाम का हिरण, वो दलदल में गिर गया, फंस गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे?
कि भोलू ने हिरण को, या लाली को भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, भोलू ने हिरण को दलदल में फंसा दिया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, भोलू के माता पिता ने लाली को कैसे बचाया, लाली को कैसे बचाया था, कैसे बचाया था बताओ। भोलू के माता पिता ने, लिखो, भोलू के माता पिता ने लाली को एक लता पकड़ाई और उसको मजबूती से पकड़ने को कहा, इस तरह लाली बाहर आ गया। भोलू के माता पिता ने, दोबारा बोल रहा हूँ, भोलू के माता पिता ने लाली को एक लता पकड़ने को कहा और उसको मजबूती से पकड़े रहने को कहा और उसको जोर से बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन है, हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो बताओ बच्चों, सारी कहानी आपने पढ़ी, सारा अभ्यास आपने किया, सारे क्वेश्चन आपने तकरीबन कर लिए हैं, तो हमें बताइए हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों बताइए, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया होगा। हमें, लिखिए, हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ओके बेटा, इसके आगे बेटा फिर से है, पढ़ो और समझो, ये भी बहुत आसान है, जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही है तकरीबन। जैसे पेड़ को हम क्या कहते हैं, वृक्ष, पेड़ को क्या कहते हैं, वृक्ष, ऐसे ही हम मुंह को क्या कहते हैं, मुख, और हिरण को हम क्या कहते हैं, मृग, डर को क्या कहते हैं, भय। ऐसे ही हम नीचे समझते हैं कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है, एक वचन से बहुवचन बना दिया है। ठीक है, जैसे बंदर से बंदरिया, सॉरी, स्त्रीलिंग, लिंग स्त्रीलिंग बना दिया है। ठीक है, जैसे पंजाबी में लिंग बदलो होते हैं तो हम आदमी से औरत कर देते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर है, बंदर से जैसे बंदरिया बना दिया तो माता से पिता बना दिया। और आगे है, बुराई से क्या बना दिया, भलाई। अब ये विपरीत शब्द लग रहे हैं मुझे, तो विपरीत शब्द बनाने शुरू कर दिए हैं उन्होंने, बुराई से भलाई, बुरा व्यवहार भला व्यवहार, अंदर बाहर, धीरे धीरे तेजी से, दुखी सुखी एक अनेक। ठीक बच्चों, समझा आपने, इसको आपने सुंदर करके लिखना भी है अपनी कॉपीज के ऊपर। अब नीचे बेटा कुछ आधे शब्द आपको दिए हैं, आपने इनको पूर्ण शब्द बनाना है। जैसे पहला है आपके सामने, च आधा है और पूरा च है, तो हम इसको क्या बना देंगे, बच्चा।
तो ऐसे बन गया बच्चा। ठीक है, तो आगे है आधा ल और पूरा ल, तो इससे क्या बनता है? चिल्ला, वो चिल्ला रहा था। उसके आधे है आधा म और पूरा म, इससे क्या शब्द बनेगा देखते हैं। है हिम्मत। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास रह गया आधा ज और पूरा ज, तो बन गया लज्जित। ठीक है ना बेटा? तो आगे बच्चा पृष्ठ नंबर 28 पे हम आ जाते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि अगर आप चित्र देखोगे नीचे, तो चित्रों को देख के आपने बताना है कि चित्र में दिखाई गई बातों के आधार पर चित्र के नीचे भली आदतें और बुरी आदतों के बारे हमने लिखना है। जो भी चित्र में दिखाया गया है, क्या वो भरी आदत है कि बुरी आदत है, उसके नीचे हमने लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला, कुत्ते को बच्चा स्टिक से, सोटी से मार रहा है, तो क्या ये बुरी बात है कि अच्छी बात है? ये बुरी आदत है कि भली आदत है, बताइए? बुरी आदत है। तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे? बुरी आदत। तो इसके नीचे हमको क्या लिखना है? बुरी आदत। और एक बच्चा सड़क पार करवा रहा है बुजुर्ग को, तो ये क्या है? भली आदत है। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं तस्वीरों में क्या है। एक लड़का लड़की को शरारत से उसकी जो है चोटी खींच रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? बुरी आदत के भली आदत? बुरी आदत। ठीक है, यहाँ पर आपने भी क्या लिख देना है? बुरी आदत। और आगे, बच्चा गिर गया है, उसको उठाने की कोशिश कर रही है लड़की, तो ये क्या है? बुरी आदत के भली आदत? ये भली आदत है। तो जहाँ पर क्या लिख देना है? भली आदत। तो बेटा, ये थे आपके पाठ का अभ्यास, जो हमने काफ़ी विस्तार में किया। आपको पसंद आया होगा, आपने सुंदर करके अपनी कॉपीज़ पे लिख लेना है। पूरा अभ्यास मैंने कोशिश किया ख़त्म करने की एक वीडियो में। थोड़ा आप थकोगे ज़रूर, लेकिन आपको पूरा अभ्यास करने को मिलेगा। सभी अध्यापक साथियों का धन्यवाद। प्लीज़ अपने सेंटर और ब्लॉग ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि बच्चों तक, 5वीं कक्षा के बच्चों तक पहुँच सके, वो काम कर सकें, सिलेबस को आगे ले करके जा सकें, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें, पढ़ने का उनको इंटरेस्ट पैदा हो। इसके लिए आपको जो वीडियो शेयर करना ज़रूरी है। तो सभी जो पेरेंट्स हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो जुड़े हैं, बच्चों को काम करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। सभी बच्चों का धन्यवाद। सभी को नमस्कार।